नमस्कार, जय श्री राम। आपका आईएएस वाला चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीएम योगी जो कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर एक बयान दिए हैं कि यूपी में मतलब हमास का समर्थन करने के करेंगे तो उसका योगी जी इलाज करेंगे उसका। तो चलिए हम लोग ये वीडियो देखते हैं क्या योगी जी बोले हैं। ठीक है, का नाम लेकर कभी फिलिस्तीन के साथ रिश्तों की दुहाई देकर इन शहरों में हमास के आतंकियों के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही हैं। ज्यादातर हैदराबाद के लेकिन और यूपी में हमास के हमदर्द अंदर ही अंदर बिलबिला रहे, मगर रैली निकालने और नारेबाजी की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि योगी महाराज का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हमास के जिन हमदर्दों ने योगी का मैसेज अब तक नहीं देखा वो फिर देखें। हमास के किसी हमदर्द को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को क्लियर कट आदेश दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लाइन से हटकर अगर कोई धर्म के नाम पर हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन देश करता का जो लाइन है उसके समर्थन करो। जब हम लोग एक साथ यूनाइट रहेंगे तभी धर्म के नाम पर किसी को कुछ भी करने की इजाजत यूपी में नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा। पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है जहां पर आप सेफली रह सकते हैं। पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सब लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेन में 1 लाख से ज़्यादा आदमी मारे गए हैं, गाजा में 5,000 से ज़्यादा आदमी मारे गए हैं, गाजा और इजराइल में। तो पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सोमालिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तुम्हारा मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, एक इंडिया ही कंट्री है जहाँ पर शांति या तरक्की हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर अगर वास्तव में विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। Exactly. प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है वर्ल्ड लीडर मोदी। उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की सास और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की ताकत। और योगी जब कहते हैं तो जमीन पर एक्शन दिखता है। यूपी में हमास के हमदर्दों की अकल ठिकाने लगाने का काम तेजी से चल रहा है, काम हो रहा है। ये तस्वीर लखीमपुर में तैनात एक खाकी वाले की, यूपी पुलिस के इस सिपाही का नाम सुहेल अंसारी है। वो यूपी पुलिस की नौकरी करता है लेकिन उसका दिल हमास के आतंकियों के लिए धड़कता है। सुहेल अंसारी हमास के आतंकियों के लिए चंदा देने की अपील कर रहा है। अपने फेसबुक पेज पर उसने डोनेशन देने की मांग की है। वो अपनी पोस्ट में एक पोस्टर लगाता है जिसमें साफ लिखा है कि हमास के समर्थन में एक रिपोस्ट करने वालों को $1 मिलेगा। वो अपनी पोस्ट में लिखता है कि अब तक 82,61,324 रुपए का चंदा